रोडवेज बस से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके सर कैसे यहाँ पे वो किया जा रहा है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो क्या कहते हैं, भवरनाथ या कंदरापुर या इधर उधर उतर जाते हैं। बहुत कभी लोग बस अड्डे तक आते हैं, और वो भी उसके बाद आने के बाद अपना बीच में ही उतर के भाग लेते हैं, तो खाली गाड़ी ही बस अड्डे के अंदर आ पाती है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो कर पाना वो नहीं है। लेकिन जो आदमी यहाँ से चढ़ रहे हैं उनका बाकायदा हाथ वाथ सब सैनिटाइज करा दिया जाता है। और हालांकि ड्राइवर कंडक्टर को निर्देशित किया गया है कि किसी को रास्ते में ना उतारे, लेकिन फिर भी जो यात्री है वो लड़ने झगड़ने पर आमादा होते हैं चालक परिचालक से कि नहीं, हमको यहीं उतरना है, हमको 2 किलोमीटर आगे जाके क्या उतर के करेंगे हम बस अड्डे में। मान लीजिए किसी को भवरनाथ उतरना है तो टिकट आधा मोड़ कर लिया, लेकिन उतर भवरनाथ जाएगा। सर, जैसे प्रोसेस ये है कि जो बस बाहर से लंबे रूट से आती हैं वो अंदर आएँ, होल्ड करें, फिर जाएँ, या फिर पैसेंजर को लें, फिर कुछ बसें जो हैं वो बाहर बाहर रूट से निकल जाती हैं? वो कुछ रीजन ऐसे हैं जो अपनी कुछ बाईपास गाड़ियां भी चला रहे हैं जी, हर गाड़ी का अंदर आना संभव नहीं है, तो वो फास्ट सेवा के लिए कुछ रीजन जो हैं, जैसे बनारस है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, कुछ सेवाएँ बाईपास हैं तो वो बाईपास से ही चलती हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं ख़ास तौर पे आजमगढ़ के अंदर, तो परिचालक द्वारा उनका बाकायदे नाम, पता, मोबाइल नंबर ये सब नोट किया जाता है और यहाँ पे ARN साहब को दिया जाता है दिल्ली यात्रा करके आने के बाद, और वो सब बाकायदे यहाँ से DM साहब के यहाँ प्रेषित की जाती है कौन कहाँ उतरा कहाँ आया।